ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं आप सभी कैंसर यानी कि कर्क राशि के लोगों के लिए, और जिसमें हम देखेंगे आपका लाइफ पर्पस क्या है। जी हाँ, आप इस धरती पर आए हैं, कोई ना कोई कारण ज़रूर है। भगवान ने कोई ना कोई पर्पस या गोल ज़रूर रखा है जिसको आपको अचीव करना है अपनी लाइफ में। तो चलिए जानते हैं आज की रीडिंग में ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं क्या आपका लाइफ पर्पस है और आपके एंजल्स जो डिवाइन वो है वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस मिशन पर। सो लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो भी स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। कैंसर, देखते हैं व्हाट्स योर लाइफ पर्पस, लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो लाइफ पर्पस क्या है पाइसेस? सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई गॉट पाइसेस, बट यस, कोई कनेक्शन हो सकता है कैंसेरियन आपका पाइसेस के साथ। ओके, सो वी आर गेटिंग नंबर 13 हियर। ठीक है, नाउ अब क्या पर्पस है आपका लाइफ में? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर गेटिंग लाइनस हियर। यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्राइप्स। आपने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, यू हैव फेस्ड लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड यू हैव यू नो लाइक बिन थ्रू अ लॉट। बहुत कुछ आपने लाइफ से सीखा है और अब आप उस मेच्योर लेवल पे आ गए हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट यू आर वेरी वेल रेड, गुड पर्सन। ऑब्वियसली वाटर साइन तो इमोशनल भी है, कहीं ना कहीं कनेक्शन ज़रूर है आपका पाइसेस और मे बी सम वाटर साइन। बट येस ऑफ कोर्स, बहुत लाइफ में उथल पुथल देखी है आपने, बहुत कुछ सहा है। बट नाउ जो कहते हैं ना कि हर तूफान का एंड तो ज़रूर होता है, ठीक है, हमेशा के लिए नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। नाउ यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एज यू आर, और यही आपका गोल है, यही आपका पर्पस है, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एंड बिलीविंग इन ऑल दिस थिंग कि येस, आप जहाँ पे हैं वही भगवान को मंजूर है। और मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ आपने सीखा है। यू आर एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज, जो भी आपकी लाइफ में जो आपको लगता है कि आप में ये कमी है, कुछ भी है, तो आप उसको एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपने एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं अपनी लाइफ में और उससे बहुत कुछ सीखा भी है। नाउ यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट, आपको पता है, ठीक है, आपकी लाइफ में ये पर्पस है कि अपने आप से उन लोगों अपने आप को उन लोगों से दूर रखना जो आपके लिए ठीक नहीं है। यू डिज़र्व शुगर अपनी लाइफ में, अब आप एक्सेप्ट करते हैं, इस बात को मानते हैं कि येस, जो कुछ भी आपने यू नो चाहे आपने लाइक जो डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी यू नो ठीक ना रही हो, या कुछ भी कोई भी रीजंस रहे हो, ठीक है, अब आप सीख चुके हैं और अब आप इस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, यू डिज़र्व अ गुड लाइफ, ठीक है, चाहे वो आपको खुद ही क्यों ना, लाइक यू नो आई एम गेटिंग दैट सिंगल हुड एनर्जी ऑल्सो, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी, बट येस, आप उस चीज़ को आगे मान के आगे चल रहे हैं। नाउ वट एल्स, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दैट यू ऑलरेडी हैव आंसर्स। देखिए यहाँ पे हम एक बात बता दें कैंसेरियंस के लिए कि येस, जैसे मैंने बोला ना कि आपने लाइफ में अपनी जो भी आपने लोग लाइक यू हैव बिन थ्रू लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ, ठीक है, और आप उनके साथ आगे बढ़े अपनी लाइफ में, उन्होंने आपको चीट किया वगैरह वगैरह, दिस एंड दैट, तो आप इन सब बातों से आप बहुत आपने से कुछ सीखा है, ठीक है, अब सीखा है तो वो चीज़ अब आपको सारे आंसर्स विद इन है कि येस यू नो दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, और अब आगे की तरफ यू आर मूविंग ऑन। यहाँ पे भी हमारे पास फिश है, यहाँ पे भी आपके पास यू ऑलरेडी हैव आंसर्स, क्या गलत हुआ, क्या नहीं गलत हुआ, क्या आपके लिए ठीक है, क्या नहीं ठीक है, आगे क्या करना है, ठीक है, यू नो ऑल दैट, सो इट्स अबाउट दैट। और बहुत ही इमोशनल राइड रही है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है यस, आप इमोशनली बहुत हर्ट हुए हैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा, जो भी है, बट नाउ द मिशन इज़ टू यू नो मूव फॉरवर्ड, और उसके लिए जो भी आपको चाहिए या जो भी आप पहुंचना चाहते हैं या जो भी है, उसके लिए आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, आपको पता है, लाइक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैप पकड़ा हुआ है एक लेडी ने, शी नोज़ इट कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, शी नोज़ एवरीथिंग, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ बात की थी दैट यू डिज़र्व यू नो शुगर नॉट सॉल्ट, ठीक है, अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करना, अपने आप को उन लोगों से दूर करना जो आपके आपकी बेहतरी नहीं चाहते हैं, सो दिस इज़ योर पर्पस, और आगे की तरफ लाइफ में बढ़ना, और इसमें आप चाहे अपनी हेल्प कर रहे हैं, ये भी एक लाइफ का मिशन है, एक पर्पस ही होता है दैट यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ आउट,
ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि अपने आप को डिस्टेंस रखना, अपने आप पे सेल्फ वर्क करना, ये भी एक गोल होता है लाइफ में, टू अचीव समथिंग, ठीक है ना। और वो एक मेच्योरिटी लेवल मुझे कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रहा है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और देखते हैं क्या गाइडेंस है, चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे आपका लव लाइफ है, वट एवर, आई मीन जो भी कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग अंडर वेट है, कुछ लोग ओवर वेट है, डजेंट मैटर। वाई? बिकॉज अब आपको पता है, यू नो, यू आर मेच्योर इनफ, यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। ये बहुत अच्छी बात मुझे दिखाई दे रही है आप सभी कैंसेरियंस के लिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर कैंसेरियंस। ओके, सो वी हैव हियर यिन एंड यांग एनर्जी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? दैट यू आर ऑलरेडी मूविंग फॉरवर्ड, आप रास्ते पे निकल चुके हैं। अपने आप को बैलेंस करना मिशन है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद हो सकता है इट्स अबाउट मीटिंग योर ट्रू पार्टनर, लेकिन आपको पता है कि आपको किस तरीके का पार्टनर चाहिए, आपको पता है कि आपको किस तरीके का काम चाहिए, आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो वो चीज़ कैंसेरियंस के लिए ब्यूटीफुल एनर्जी, यिन एंड यांग इंटीग्रेशन, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट कि गलत और सही में फ़र्क करना, या दोनों साइड को बैलेंस करके चलना, या आपको पता है कि इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आप उसको एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, बुरा अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। वो चीज़ बहुत कुछ आप सीख रहे हैं, बहुत कुछ। और आपको ये भी पता है कि हाँ, कि यू नो, देर आर ऑलवेज टू फेसेस, और आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो दिस इज़ द थिंग आई एम गेटिंग फॉर कैंसेरियंस, ब्यूटिफुल एनर्जी, ठीक है। तो इस चीज़ को मान के चलिए, एक्सेप्ट करके चलिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप किसी बात को लेके उम्मीद मत खोइए, ठीक है, कैरी ऑन। आपने खुद पे सेल्फ वर्क किया है, ठीक है, बस अब आगे सिर्फ ये है, आपके जो गाइड्स वो आपको यही कहना चाहते हैं कि वो करेज बिल्ड रखिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उम्मीद, आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा पौधा है और उसमें से फ्लावर निकल रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि लोग यू नो, जब उनके साथ बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ वो फेस करते हैं, तो वो थोड़ा सा क्लोज ऑफ हो जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है वो नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू यू नो कनेक्ट, इट्स जस्ट दैट कि आपको वो विश्वास रखना है, वो भरोसा रखना है, ठीक है ना, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। क्योंकि अब आपको फ़र्क करना आ गया है, और अगर फ़र्क करना आ गया है तो फिर आई डोंट थिंक कि आपको पीछे हटना चाहिए, फिर आई डोंट थिंक आपको फियरफुल होना चाहिए, ऑब्वियसली, राइट? कि अब आपको पता है, डिफ्रेंशिएट करना आता है, क्या बुरा है क्या अच्छा है आपके लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। सो विश यू ऑल द लक, आई होप आपको ये आज की रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए।